फिजिक्स में चैप्टर टू ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है एक हफ्ते से के बाद में आज हम फिजिक्स की क्लास आप मेरी क्लास कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई है। इससे पहले पार्ट सेवन की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, ये पार्ट एट है चैप्टर टू का, आठवीं वीडियो आप ऐसे समझ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है धारिता। आज हम डिस्कस करेंगे धारिता। देखिए धारिता इंग्लिश में कहते हैं इसे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो शब्द बच्चों कैपेसिटी शब्द से मिलकर के बनता है। कैपेसिटेंस शब्द कैपेसिटी, कैपेसिटी का हिंदी अर्थ है क्षमता। कैपेसिटी का हिंदी अर्थ क्या है? क्षमता। आप ऐसे कह सकते हैं कैपेसिटी को हर चीज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्षमता होती है, तो वो क्षमता हमारी धारिता कहते हैं। जैसे मैं आपको ऐसा समझा सकता हूँ कि एक गिलास है, एक जग है, एक बाल्टी है। एक गिलास है, जग है और बाल्टी है। अगर हम उन तीनों में पानी भरना शुरू करें तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? ऑब्वियसली बात है बाल्टी की, पानी को ग्रहण करने की क्षमता जग की तुलना में और गिलास की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि बाल्टी की धारिता जग और गिलास की तुलना में सबसे अच्छी है। तो धारिता का आम भाषा में मतलब है क्षमता। धारिता का आम भाषा में मतलब है क्षमता। अब यहाँ पर किस चीज की धारिता है? यहाँ पर देखिए पानी भरने की क्षमता नहीं है। यहाँ पर जो धारिता, यहाँ पर आवेश ग्रहण करने की, मैं लिखता हूं आवेश ग्रहण करने की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। मतलब यहां पर धारिता जो है वो किस चीज की क्षमता है? आवेश ग्रहण करने की। कोई किसी चालक द्वारा वो कितना चार्ज ले सकता है, कितने आवेश को इकट्ठा कर सकता है, उसकी यह क्षमता हमारी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। तो फिजिक्स में यहाँ पर जो हम धारिता पढ़ रहे हैं, पूरा नाम वैद्युत धारिता इसका हम लिखते हैं, तो ये धारिता भी क्षमता ही है। लेकिन ये क्षमता किस चीज की क्षमता है? आवेश ग्रहण। एबिलिटी, द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, टू होल्ड, होल्ड मतलब ग्रहण करना, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इंग्लिश में ऐसा इसकी आप इंग्लिश बना सकते हैं। मैं हिंदी में कह सकता हूं कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ये कोई चालक है, अब इस चालक को हम आवेश देना शुरू कर दें। आवेश को क्यों से दिखाते हैं? पढ़ चुके हैं पहले क्लास से। अब जब ये आवेश लेगा तो आवेश ग्रहण करता चला जाएगा। अभी कितना आवेश ग्रहण करेगा, इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, उस क्षमता को ही फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में धारिता कहा गया। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता। अगर कोई चालक कम आवेश ग्रहण करेगा तो उसकी धारिता कम, कोई चालक ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा तो उसकी धारिता ज्यादा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, यूं दो रोटी खा सकता है तो इसकी क्षमता दो रोटी ग्रहण करने की है, वो दस रोटी खा सकता है तो उसकी क्षमता दस रोटी ग्रहण करने की है। जिसकी क्षमता कम रोटी ग्रहण करने की उसकी धारिता कम, जिसकी क्षमता ज्यादा रोटी ग्रहण करने की, ज्यादा रोटी खाने की उसकी धारिता ज्यादा। वो रोटी खाने की है, रोटी ग्रहण करने की है, ये रोटी ग्रहण करने की नहीं है, ये आवेश ग्रहण करने की है, चार्ज क्यों लेने की। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहा गया? धारिता। अभी हम इसी चैप्टर में ये भी पढ़े हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, v बराबर 1/4πε0q/r। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर कहीं पर आवेश होगा तो वहां विभव भी होगा। यदि हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो वहां पर विभव भी उत्पन्न होगा। तो यदि यदि हम किसी चालक को क्या करें, आवेशित करते जाएं, आवेश देते जाएं, तो क्या बढ़ेगा? उसका विभव। आवेश देने से क्या बढ़ता है? आवेशित करते जाएं तो उसका विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आवेश बढ़ता जाएगा तो विभव भी बढ़ता जाएगा। जो चीज बढ़ने पर बढ़ती है वो रिलेशन हमारा समानुपाती कहलाता है। बच्चों समानुपाती का मतलब तो अब बहुत फिजिक्स पढ़ ली, सूत्र चैप्टर खत्म होने वाला है,
समानुपाती का मतलब तो बहुत जगह मैंने आपको बताया है, समानुपाती का मतलब ये है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो क्यों क्यों पंक्ति में क्या कहते हैं, क्यों आवेश भी विभव है, दोनों एक दूसरे के कैसे चार्ज देते जाओगे आवेश देते जाओगे तो विभव भी बढ़ते जाओगे। आपने देखा होगा फिजिक्स में जब भी इस निशान को हटाते हैं बराबर के निशान लगाते हैं और नियंत्रण लगाते हैं नियंत्रण करेंगे सी सी यहां से लिया गया है कैप्टन नेचर से और इनटू में कौन है नई चीज क्या है सी सी को ही क्या कहा गया कैप्टन नेचर में क्या कह रहे हैं हां इनका किससे दिखाया गया यहां से हम सी का सूत्र बनाएंगे तो सी बराबर बी बटे गुणा हो जाएगा। अरे भैया भी गुणा में है भाग में आ जाएगा, ये जो सी है ये सी कहलाती है क्या और क्यों क्या कहलाता है आवेश और बी क्या कहलाता है विभव। तो धारिता का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया धारिता बराबर आ गया आवेश बटे विभव सी बराबर क्यों बटे इस पर होंगे निर्णय। तो आपको धारिता का मतलब समझ में आ गया बताओ क्या मतलब समझ में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ये तो धारिता का मतलब हो गया, कोई जितना आवेश ग्रहण करेगा कम आवेश ग्रहण करेगा तो उसकी धारिता कम, ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा तो उसकी धारिता ज्यादा, ये तो मतलब है आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। फिर हमने ये देखा इसका सूत्र पता चल गया, सूत्र आया सी बराबर क्यों बटे सी को क्या कह रहे हो धारिता, क्यों को क्या कह रहे आवेश, सी को क्या कह रहे हो। सूत्र से हम क्या निकाल लेते हैं मात्रक, मात्रक देखिए बड़ा सिंपल सा है, ऊपर कौन है क्यों आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, नीचे कौन है विभव, विभव का मात्रक होता है और नीचे विभव, विभव की मां हमने इस चैप्टर के शुरुआत में सोल्व कर लोगे, आप सोल्व कर लोगे नीचे सौ पर ले जाते तो एम माइनस वन हो जाएगा L माइनस वन बाई के, अबे प्लस के तो टी चार हो जाएगी केस, ये क्या है विमा। पेपर में बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है धारिता क्या है इसकी विमा लिखो, धारिता क्या है इसका मात्रक लिखो, ऐसे के नंबर में सवाल आता है। तो धारिता क्या है, धारिता के परिभाषा है आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। मात्रक पूछे ये मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट कह दो या फैराड कह दो शॉर्ट में फैराड, विमा पूछे ये विमा एम माइनस वन एल माइनस वन टी की पावर चार ए स्क्वायर। तो बच्चों ये जो बातें थी ये बात थी किसकी धारिता की, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा धारिता का मतलब पता चल गया आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, धारिता का मात्रक पता सूत्र पता चल गया सी बराबर क्यू बटे बी, सूत्र से ही मात्रक निकाल लिया कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड और मात्रक सूत्र से ही हमने विमा निकाल ली एम माइनस वन L माइनस टू T की पावर फोर की पावर और A इस पर, ये हमारे होते हैं यहाँ पर क्या धारिता। तो अगर हमें धारिता का मान निकालना है तो हम सूत्र यूज करेंगे C बराबर क्यू अपॉन वी। आगे बात करते हैं संधारित्र की, धारिता के बाद में बात आती है संधारित्र, इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। देखिए पंखे आप जानते हैं पंखों में कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। मदरबोर्ड आप मदरबोर्ड सुने होंगे, लैपटॉप में होता है मदरबोर्ड, कंप्यूटर में होता है मदरबोर्ड, वॉशिंग मशीन में भी होता है मदरबोर्ड, फ्रिज में भी होता है मदरबोर्ड, टीवी में भी होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में भी कैपेसिटर लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल को चार्ज करने वाला जो चार्जर होता है उसके अंदर भी कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र। अब देखिए संधारित्र क्या है, अभी आप धारिता पर बात कर रहे थे, हम ऐसा कह रहे थे कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहा गया, अब जिसमें धारिता होगी धारिता किसमें होगी, धारिता उसमें होगी जो आवेश ग्रहण करेगा, धारिता उसमें होगी जो आवेश ग्रहण करेगा, और जिनमें धारिता होगी यानी कि जो आवेश ग्रहण कर सकता हो, आवेश को इकट्ठा जिस पर कर सकते हो हम उसे ही कहते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है
जिस पर हम क्या कर सकते हैं आवेश जी जिस पर हम आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं या जो आवेश ग्रहण कर सकता हो। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, संधारित्र एक ऐसा समायोजन कॉम्बिनेशन होता है आप लिखे मेरे साथ साथ डेफिनेशन, होता है जिस पर किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप लिखते रहे, संधारित्र कैसा समायोजन है, होता है जिस पर किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है। आवेश की पर्याप्त मात्रा को एकत्रित मतलब इकट्ठा क्या जाता है। तो ऐसा समायोजन जिस पर हम क्या कर सकते हो बच्चों, देखो ना, आवेश को इकट्ठा कर सकते हो, एकत्रित कर सकते हो, उसे क्या कहा गया, संधारित्र कहा गया। आपकी विधिक्रम में ये वाला संधारित्र पढ़ते हैं जिसका नाम है समांतर पट्टी का संधारित्र। हम संधारित्र जो पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसे तो बेलनाकार संधारित्र हम यूज जो करते हैं प्रैक्टिकली, वो जो अभी मैं बता रहा था कि मदरबोर्ड में, चार्जर में, कंडेंसर में, पंखों के और इन जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इन सब में जो संधारित्र लगा होता है, वो संधारित्र हमारा जो संधारित्र होता है वो बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है। लेकिन जो आपका कोर्स है एनसीईआरटी का, उस किताब में जो संधारित्र हम स्टडी करेंगे वो ये वाला होगा जिसका नाम होगा समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र। पट्टिका कह दीजिए या प्लेट्स कह दीजिए, तो ये दोनों बना रहे हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। इसमें दो प्लेट होती है, प्लेटों के बीच की दूरी को हम ए से दिखाएंगे। प्लेटों के बीच में अगर कुछ माध्यम है तो प्रादुता के आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई माध्यम होता है तो के होता है, अगर नहीं होता तो के नहीं होता है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल को ऐसे दिखाते हैं। पहली प्लेट को जोड़ते हैं हम किससे, सोर्स से, और दूसरी प्लेट को जोड़ते हैं किससे, अर्थ से। ये वाला संधारित्र हम पढ़ेंगे। तो संधारित्र क्या है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहा गया, और जिसमें धारिता होती है या दूसरे शब्दों में कहें जो आवेश को ग्रहण कर सकता हो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, संधारित्र कैपेसिटर कहा गया। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई आपको, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, और जो आवेश ग्रहण कर सकता हो, जिस पर आवेश को इकट्ठा कर सकता हो, उस मशीन का नाम संधारित्र है। और जो संधारित्र आपकी किताब में है, आपके कोर्स में है, उस संधारित्र का नाम है समांतर पट्टिका संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए संधारित्र का सिद्धांत, उसके बाद में बात आती है संधारित्र का सिद्धांत। बच्चों मैं, मेरा सुनना है, आपको समझना है, लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, ये पहले भी मैंने सर इसके जब नोट्स भेजे तो उनमें लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए संधारित्र आप क्या कह रहे थे, काम क्या करता है, आवेश को इकट्ठा करने का काम करता है। अब ये संधारित्र इकट्ठा जब तो करेगा जब हम इसे आवेश देंगे, भाई संधारित्र की परिभाषा क्या है, ऐसा समायोजन है जिस पर आवेश को इकट्ठा किया जाता है, लिखा हुआ बोर्ड पर, लेकिन ये आवेश को इकट्ठा तभी तो करेगा जब आप इसे आवेश दोगे, और आवेश देने के लिए किससे जोड़ा जाता है, और भैया बच्चों चैप्टर 2 चल रहा है, चैप्टर 1 में हमने आवेश पढ़ा था, और मैंने अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी अभी स्टार इंटर कॉलेज के ऐप पर, अभी भी क्लासेस है मेरी डली हुई, तो आप 17 जुलाई से पहले क्लास डाली थी मैंने, उसके बाद में 2-3 क्लास में आप देख लेना, शुरू की 2-3 वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। आवेश उत्पन्न होने की विधियां एक टॉपिक था, तो आवेश उत्पन्न करने की 3 विधि मैंने आपको बताई थी, एक विधि का नाम था चालन विधि,
एक विधि का नाम था घर्षण विधि और तीसरी विधि का नाम था प्रेरण विधि। तो प्रेरण के सिद्धांत, प्रेरण द्वारा आवेशन चैप्टर वन, ये चैप्टर टू है, चैप्टर वन में आप बुक में देख लेना, बुक में डला मिलेगा, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो संधारित्र किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रेरण का सिद्धांत क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूं। प्रेरण का सिद्धांत यह कहता था कि अगर कोई एक आवेशित वस्तु है या आवेशित है, इसके पास में कोई दूसरी वस्तु लाए या अनावेशित है, आवेशित मतलब जिस पर आवेश, अनावेशित मतलब जिस पर आवेश, तो अगर किसी आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित। तो यहां पर इसे हमने आवेश दिया पहली प्लेट को, कैसा प्लस का, लेकिन दूसरी प्लेट पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, किसके अनुसार, प्रेरण के सिद्धांत अनुसार इस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस का, बाहर कैसा उत्पन्न हो जाएगा, प्लस का। बाहरी सिरे को जोड़ देते हैं किससे, अर्थ से जोड़ने की वजह है कि ये प्लस का आवेश, अर्थ का मतलब है मिट्टी, मिट्टी का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को होता है बच्चों माइनस का आवेश, और ये कैसा है प्लस का, इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है माइनस, प्लस खत्म हो जाएगा तो यहाँ केवल कौन सा आवेश बच जाएगा, माइनस का। तो इसलिए हम इसे बाहर वाले सिरे को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता, मैं रिपीट करता हूँ सारा स्टेटमेंट, संधारित्र या पूरा नाम इसका समांतर पट्टी का संधारित्र प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब पहली प्लेट को हम आवेश देते हैं सोर्स से, तो प्रेरण के अनुसार दूसरी प्लेट के अंदर वाले तल पर माइनस का तथा बाहर वाले तल पर प्लस का आवेश आ जाता है। ऐसा करने से होता यह है कि जो पहली प्लेट है उसका विभव कम हो जाता है, और हमने पढ़ा था कि विभव और धारिता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अभी भी हमने सूत्र पढ़ा था C बराबर Q बटे V, अरे इससे पहले पढ़ा था तो उसमें भी नीचे आता है और नीचे का संबंध कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मीन सब जो कि अगर विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो होता क्या है, ये जो दूसरी प्लेट है इसका काम ही ये है, इसका काम ये है कि अगर दूसरी प्लेट हम लगाएंगे तो दूसरी प्लेट लगाने से किसका सिद्धांत लगेगा, और प्रेरण के सिद्धांत की वजह से इसका विभव कम हो जाएगा, और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र किसके सिद्धांत पर काम करता, आपको ये बात हमें बोल रहे हैं लिखी मिलेगी कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो संधारित्र प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संधारित्र का सिद्धांत प्रेरण का सिद्धांत है। जब हम संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते हैं तो प्रेरण के अनुसार दूसरी प्लेट के अंदर वाले तल पर माइनस की, बाहर वाले तल पर प्लस की आवेश आ जाता है। चूंकि बाहरी तल प्रेरित जुड़ा है इसका प्लस की आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा होने से पहली प्लेट का विभव कम हो जाता है जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो दूसरी प्लेट लगाने से फायदा होता है कि धारिता बढ़ जाती है, यह संधारित्र का सिद्धांत है। अगली आज की क्लास कितने रहने दे रहे हैं, अगली क्लास में हम इसकी धारिता कैसे निकलेगी, इसकी धारिता जिसे हम सीधे दिखा रहे हैं उसका मान कैसे निकलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता कैसे निकलेगी वो बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।